ओम शांति। 5 सितंबर के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न, कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी? उत्तर, हम बेहद पाप की संतान हैं तो विश्व के मालिक ठहरे। हमें देवता बनना है, यह बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। तुम कहो ना कहो, आपे ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहेंगे, वाह, हमको तो यह लक्ष्मी नारायण बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपनी उन्नति का ही चिंतन करना है। दूसरी किसी भी बात में नहीं जाना है। पढ़ाई और याद पर पूरा अटेंशन देना है। बुद्धि भटकानी नहीं है। दूसरी पॉइंट, अब बाप डायरेक्ट आए हैं इसलिए अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफर कर देना है। पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करना है। विद ऑनर स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान, योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। स्पष्टीकरण, आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं। आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते योगी ऊंचा रहते हैं। आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है क्योंकि डबल लाइट बन गए। वैसे भी कहा जाता कि फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो, देह भान में ना हो, पुरानी दुनिया से कोई लगाव ना हो। स्लोगन, अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेंगी। ओम शांति।